हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज अपन बात करेंगे कि कल के मार्केट में बैंक निफ्टी निफ्टी में कैसा मोमेंट हो सकता है, साथ में अपन सेंसेक्स और फिन निफ्टी एंड मिड कैप का भी देख लेंगे। तो आज के अगर मोमेंट की बात करें तो मार्केट ऑलमोस्ट चौपी रहा दोस्तों, कुछ खास मोमेंट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला। आप देख सकते हो कि एक छोटा सा पुल बैक आया 920 को, उसके बाद में कंसिस्टेंटली एक लेवल रेंज में मूवमेंट इसने किया। वही हाल बैंक निफ्टी का हुआ है। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी का हालत उससे भी ज़्यादा खराब थी कि अगर मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ से इसने पुल बैक लिया, क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ था। मार्केट पूरा दिन इसी में रेंज में रहा है और मेरा खुद का मैंने मल्टीपल ट्रेड नहीं किए, मात्र मतलब ये मान के चलिए 8 से 10 ट्रेड किए स्कैल्पिंग, उसमें मेरा जितना मतलब बहुत ही कम प्रॉफिट हुआ है। उसका एक ही रीज़न है कि हमारा जो मार्केट है उसने मूवमेंट बहुत कम दिया, स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हिट किए हैं। मतलब याद तो याद है कि जितना मेरा प्रॉफिट दिख रहा है उससे ज़्यादा तो मेरा ब्रोकरेज ही चला जाएगा, तो ये इस टाइप की कंडीशन है, जबकि इस कैपिटल में मैं अच्छा खासा प्रॉफिट डेली का बना लेता हूँ। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि कल के मार्केट में क्या हो सकता है। कल के मार्केट की बात करें उससे पहले अपन कुछ, जैसे आज आपको पता होगा कि इकोनॉमिक सर्वे आया है, इकोनॉमिक सर्वे में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का दिखती है हमें, गवर्नमेंट क्या करने वाली इकोनॉमी के लिए वो दिखता है, गवर्नमेंट के क्या प्लान है, वो कितना एक्सपेंडिचर किसमें करने वाली, कौन सा फोकस एरिया, सारी चीज़ें हमें इकोनॉमिक सर्वे में दिख जाती है। वही सर्वे में कहीं जब सर्वे में दिखती है तो वही रिफ्लेक्शन हमें बजट में देखने को मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट खबर अपन एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में फिर अपन वापस चार्ट में आएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि आपको फार्मास्यूटिकल वाले को बोला है कि आपको इनोवेशन में फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी कंपनियां जो ज़्यादा इनोवेशन पे फोकस कर रही है, ऐसी कंपनियों को आप ट्रैक करना, डेफिनेटली उसमें आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिला गया। ठीक है, क्योंकि हम इंडिया के हैं, लार्जली डिपेंडेंट है एंटीबायोटिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। अब एपीआई होता क्या है दोस्तों, नो डाउट इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एंड प्रोड्यूसर है मेडिसिनल प्रोडक्ट्स का, गोलियां दवाइयों का, बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी वो है कि जो एपीआई जिससे गोली दवाई बनती है उसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, उसका मेजरली इंपोर्ट करते हैं स्पेशली चाइना और बाकी अदर देशों से। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा हिंड्रेंस है और इसको हमें सही करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हमारा चाइना और इंडिया का टसल होगा तो ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सकती है, हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में खतरा पैदा हो सकता है। तो इसलिए बोला है कि डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को एक स्किल डेवलपमेंट इनोवेशन स्टोन सप्लाई चेन डेवलप करना पड़ेगी और इसकी जो वैल्यू बताई है वो बताई ऑलमोस्ट 130 बिलियन की। ठीक है, जब पॉलिसी डॉक्यूमेंट ने बोला है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट लगभग अभी 50 बिलियन डॉलर का है और वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट है बाय वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम की अगर हम बात करें दुनिया में तीसरे नंबर पर है और हमारा ओवरऑल जो मार्केट है इसका वो कितना है 50 बिलियन डॉलर का। ठीक है, ये भी एक्सपेक्टेशन लगाया है कि हमारे जो फार्मा की इंडस्ट्री है वो 130 बिलियन पहुंच सकती है 2030 में। तो आप समझ रहे हो कि अभी ओनली 50 है और बचे 6 सालों में ऑलमोस्ट 5 गुना के आसपास इसका डेवलपमेंट हो सकता है, इतना ग्रोथ ये कर सकता है। और उसके लिए आपको क्या चाहिएगा, स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, एस्टेब्लिशमेंट, स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन। तो ये चीज़ें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में होती तो हम मार्केट को इतना बड़ा कर सकते हैं। तो अब हमारे जो कुछ शेयर्स है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, सन फार्मा हो गया, रेडी लेब हो गया, ग्रेसिम हो गया, ग्रेसिम में तो आज वैसे ब्रेकआउट अच्छा खासा मूवमेंट हुआ लगभग 2% के आसपास। तो इन स्टॉक को आप एनालाइज कीजिए, समझिए और इस स्टॉक में अपॉर्चुनिटी ढूंढिए जहां पर ये सारी चीजें उसमें हो रही है। ठीक है, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। तो सेकंड टॉपिक यहां पर बताया उन्होंने कि मेंटल हेल्थ, अब ये भी फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड है, मेंटल हेल्थ मेजर इशू अराइज हो रहा है इंडिया में, जो हमारे जो यूथ है उनमें ऑलमोस्ट 50-70% जो बीमारियां हो रही है वो डायबिटीज और फास्ट फूड्स खाने से हो रही। तो ये भी कहीं ना कहीं ऐसे प्रोडक्ट्स पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों वो ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो हमारी वो 6.5-7 प्रिडिक्ट की गई, जबकि एक्चुअली में प्रिडिक्ट की गई थी 8 की। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेटबैक हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि देखो आप यहाँ पर देख सकते हो कि रिजर्व बैंक ने फोरकास्ट किया था जीडीपी को हमारी कितनी रहेगी, 7.2% रहेगी, और अभी बता रहे 6.5-7 के बीच में। दैट मीन्स वो फोरकास्ट से ही कम प्रिडिक्शन इकोनॉमिक सर्वे हमारा बता रहा, दैट मीन्स यहाँ पर थोड़ा सा डाउनफॉल में देखने को मिल रहा है। और जो एंटिसिपेशन था दोस्तों, जो एंटिसिपेशन था कि 8.2% से होगी, वो एक्चुअली 7.2 से एंड होगी। तो ये दैट मीन्स कहीं ना कहीं इकोनॉमी में 1% का प्रोडक्शन गलत होना ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। अगर आपको ये एक नेगेटिव पॉइंट है, अगर ऐसा कुछ होता है और हमारे इकोनॉमिक डाटा आते हैं सेकंड क्वार्टर के, अगर वहाँ पर हमारी जीडीपी ग्रोथ इसी के अनुसार होती है, डेफिनेटली नेगेटिव पॉइंट रहेगा हमारे लिए एज वेल एज मार्केट के लिए। ठीक है, उसके बाद में वो कंजर्वेटिवली प्रोसेस किया है 6.5%, मतलब इतना तो होगी होगी, अच्छी बात है कि जो चाइना दुनिया की दूसरे देशों की जो जीडीपी है बड़े देशों की वो 4.5 के आसपास मूव कर रही है, पर हमारी जो जीडीपी 6.5-7 कर रही है, मतलब अभी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी है वर्ल्ड की। ठीक है,
मीडियम टर्म में इंडियन इकोनॉमी बोल रहे हैं कि 7% प्लस में ग्रो कर सकती है अगर हम क्या करें। गवर्नमेंट ये भी बोल रहे हैं हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना पड़ेगा। और जो हमने लास्ट डिकेड में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं जैसे कि आपकी हर एक चीज में, मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में हो गया, टर्शरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर में हो गया, जो बेसिक फंडामेंटल इशूज को सोल्व आउट करने की कोशिश की है मोदी गवर्नमेंट ने, तो कहीं ना कहीं उस फेज को बढ़ाए रखना होगा, आगे बढ़ाना रखना होगा, क्योंकि अभी आपको पता है एनडीए गवर्नमेंट बनी है ना कि बीजेपी गवर्नमेंट बनी। तो कहीं ना कहीं वो इशूज को उनको फेस डाउन करके आपको सारा फोकस इन स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स को कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा, तभी जाके हमारी इकोनॉमी 7.58 तक ग्रोथ करेगी और तभी हमारा मार्केट सस्टेन कर पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर हमें दी है। अब इससे हमें क्या की टेकअवेज हो सकते हैं दोस्तों, वो ये है कि मार्केट में अब यही रिफ्लेक्शन कर अगर हमें बजट में देखने को मिलता है कि मान लीजिए गवर्नमेंट कुछ ऐसी स्कीम्स लाती है जिसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जो केपेक्स जिसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर उसमें कटौती होती है, क्योंकि गवर्नमेंट को कोई भी गवर्नमेंट उसको आपको अपना वोट बैंक भी देखना होता है दोस्तों, और अपने वोट बैंक को सस्टेन भी करना होता है, जिसमें कि अभी आप अभी देखने में आया कि बीजेपी के लगभग 60 सीटें कम हो गई, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बजट में देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट कोशिश करेगी कुछ ऐसी स्कीम्स लेके आए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिसमें नो ग्लोबाउन जिसको बोलते हैं, फ्रीबीज टाइप की, ताकि वो जो उनका वोट बैंक कटा है बीजेपी से वो वापस आए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके मार्केट को नेगेटिव इम्पैक्ट करने वाली है। ठीक है, बाकी और सारी चीज़ें आपने देखी है। एक और एक इंपॉर्टेंट सेक्टर, इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें निकल के आ रही इकोनॉमिक सर्विस है, और इसमें आप ये देख सकते हो जो आपके भी जैसे एयर इंडिया हो गया है, इंडिगो, जितने भी एविएशन सेक्टर, उसमें आपको अच्छे ग्रोथ मिल सकते हैं पिछले शहर में, क्योंकि बोल रहे हैं कि 56% क्रेडिट इनफ्लो ग्रोथ हुई है 23-24 में। ठीक है, और उसके बाद में 15% का इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस में एयर पैसेंजर में, और अभी एट प्रेजेंट में 37.6 करोड़ पैसेंजर ने ट्रेवल किया है इस साल में, तो बहुत बड़ी बात है। 15% का एक अच्छा मोमेंटम के साथ में ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने बोला कि अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हो सकती है। इफिशियंसी एंड सस्टेनेबिलिटी अगर आपको बढ़ाना है तो आपको एयरपोर्ट कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट मीन्स आपके जितने भी कंपनीज हैं, जैसे अडानी पोर्ट्स वगैरह हो गया, या अडानी के जितने भी कंपनियां या कोई दूसरी कंपनी जो एविएशन सेक्टर में काम कर रही है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में काम करी, तो उन शेयर को आपको देखना है, वहां पर आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस वहां पर है। ठीक है, गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि हम फोकस करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे इंडस्ट्री स्टेक होल्डर से, इंटरनेशनल पार्टनर ढूंढेंगे, ताकि हमारी इंडियन एयरलाइंस को स्ट्रेंथन कर सके, उनकी कनेक्टिविटी को रोबस्ट बना सके। ठीक है, सर्विस सेक्टर में एविएशन इंडस्ट्री आपको पता है हाई इन्फ्लक्स ऑफ क्रेडिट आ रहा है, इसमें ईयर ऑन लगभग 56% की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, और ये जो ग्रोथ हो रही है क्रेडिट की जाती है एक्टिविटीज इन एयरक्राफ्ट लीजिंग, रिक्रूटमेंट एंड फेवरेबल मीडियम टू लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, क्योंकि अब जब क्रेडिट ग्रोथ होती है ना दोस्तों, तो वो पैसा कंपनियां कहीं ना कहीं अपने बेसिक एक्सपांशन पे इन्वेस्ट करती है। जो बेसिक मान लीजिए किसी के पास एयरप्लेन कम है तो एयरप्लेन ज्यादा लाएगी। अभी आपने देखा होगा कि एयर इंडिया इंडिगो ने दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है क्या बोलते हैं एयरबस को खरीदने के लिए, तो ऑलमोस्ट आई थिंक 500 to 600 बिलियन डॉलर्स का। तो ये चीजें भी हमें ध्यान रखना पड़ेगी। एक और नई चीज हमें यहाँ पर देखने को मिली कि हमारा जो एविएशन मार्केट है वो थर्ड लार्जेस्ट बन गया है। थर्ड लार्जेस्ट आप समझ सकते हो कितना बड़ा है। ठीक है, 15% का इंक्रीज हो तो डेफिनेटली आप मान के चलिए एविएशन सेक्टर को आप पकड़िए यहाँ पर, यहाँ के जरिए आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। ठीक है, तो बाकी ये सब चीजें, तो इससे ओवरऑल हमें ये टेकअवे दोस्तों कि कुछ सेक्टर में नो नॉट बहुत अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, बट अभी मार्केट में जिस प्रकार का सेंटीमेंट है, थोड़ा बहुत करेक्शन हमें बजट के बाद में देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि कल आपका मार्केट में गिव अप हो या अच्छा खासा मोमेंटम, पर परसों दिन गिव डाउन हमें देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा कोशिश रहने की जरूरत है। और आप जो भी ट्रेड कीजिएगा तुरंत एग्जिट और एंट्री कीजिएगा आज का जैसा मार्केट है, वरना आपने देख रहे हो मेरा प्रॉफिट भी देख रहे हो कि बहुत मुश्किल है प्रॉफिट इस मार्केट में कमाना। ठीक है, अब ये सारी चीजों को अपन थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं कि निफ्टी में कैसा मूवमेंट हो सकता है। देखो, मैंने आपके सामने निफ्टी में ये कुछ इस प्रकार का चार्ट बना रखा, आप देख सकते हो डाउन साइड में ये इसमें कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर हर जगह सपोर्ट ले रहा है, यहाँ भी आज भी इसने इससे ऊपर ही सपोर्ट लिया है। वो सपोर्ट रेंज है 24,500। ठीक है, 24,507। अगर यहाँ से अगर अपसाइड जाता है हमारा निफ्टी तो 24,580 पहला टारगेट आएगा ऑलमोस्ट, अभी मान के चलिए 60 पॉइंट का। उसके बाद में सेकंड टारगेट, क्योंकि यहाँ उसके बाद में हमारा कोई मेजर हिंड्रेंस नहीं है, सेकंड टारगेट आएगा 24,699। तो दो टारगेट मैंने आपको बता दिया आपको, फर्स्ट तो है आपका आप 580। ठीक है, और दूसरा टारगेट है आपका 650, और तीसरा टारगेट आपका 24,800। तो इन तीनों रेंज, क्योंकि ये जो लेवल बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, इसी पे आपको फोकस करना है। 580 सस्टेन कर गया तो आप 650 के लिए जाना, 24,650 और फिर 24,800। बट यहाँ पर भी एक आपको ध्यान देने वाली बात ये दोस्तों कि 24,800 के बाद में अगर मार्केट थोड़ा बहुत भी अपसाइड जाता है तो वहाँ पर आप हेवी बाइंग मत कर लेना प्लीज, क्योंकि चांसेस है कि फिर वहां से एक अपसाइड जाके फिर मार्केट अच्छा खासा फॉल हमें करेक्शन में देखने को मिले, ताकि हमारे जो इंडिविजुअल जो रिटेल ट्रेडर बंधु है वो ट्रिप हो जाए। ठीक है, डाउन साइड की अपन बात करें तो ये अभी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है 24,500 का। 24,500 का सपोर्ट अगर ब्रेक करता है, ठीक है, 24,500 का सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो फिर आप देख रहे हो 24,500 का सपोर्ट है, अगर इसको ब्रेक कर देगा
तो फिर हमें नए सपोर्ट देखने को मिलेगा 24,283। 24,283 के नीचे अगर मार्केट रहता है तो फिर 100% मार्केट वीक हो जाएगा। वीक होने का होता है मार्केट, तो फिर आपका सेकंड टारगेट 24,066 का आपको देखने को मिलेगा, 24,066। ठीक है, 24,066 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होना बाकी है यहाँ पर, जैसे कंसोलिडेशन वापस हमें देखने को मिल सकता है। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा लॉन्ग टर्म में दोस्तों दिख रहा है 23,664 रुपए। ठीक है, तो कल आप जो भी अपसाइड कॉल साइड का ट्रेड करो तो ये मेरे लेवल डाउन साइड की ध्यान जरूर रखना, क्योंकि आप ब्रेक हो सकते हो, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में कुछ ऐसा ही हो रहा है, देख सकते हो दोस्तों, आपको मैंने एक ट्राइंगल पैटर्न ही बनाया है यहाँ पर, इस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है और अभी ऑलमोस्ट जो भी हो गया बिल्कुल स्टक हो गया। यहाँ से जिधर भी ब्रेकआउट होगा उस साइड आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, बट जैसा मैंने बोला है मुझे ऐसा लगता है कि करेक्शन आना बाकी है, इसलिए अपसाइड में अगर जाता है हमारा बैंक निफ्टी। ठीक है, ये जो बैंक निफ्टी हमारा, ये जो लेवल है हमारा अपसाइड में अगर यहाँ पर सस्टेन करता है 52,440 पे, तो 52,644 मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट फर्स्ट हमें देखने को मिलेगा। सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा 53,000। तो एक बार 650 टिक गया तो फिर आप आराम से कॉल साइड जा सकते हो, एक बार ये जरूर 53,000 को टच करने की कोशिश करेगा। और सेकंड हमारा यहाँ पर 53,070, उसके बाद में 53,370, तो 300 पॉइंट मतलब यहाँ से हमारा ऑलमोस्ट 400-700 पॉइंट की अपसाइड रैली हमें देखने को मिल सकती है। डाउन साइड की अगर कल बात करें, क्योंकि अब कल इसको एनी हाउ यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि कितने ही दिन हो गए इसको, आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 24 जून से एक रेंज में मार्केट मूवमेंट कर रहा है। तो अगर डाउन साइड फॉल आता है तो हमें सब जो बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा डाउन साइड में वो ये रहेगा, ये टारगेट हमें देखने को मिलेगा वो रहेगा 51,568 का टारगेट। मतलब यहाँ से मोटा मोटा आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का फॉल हमें सीधा बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि यार ये सपोर्ट नहीं है दोस्तों, सपोर्ट ये है, क्योंकि यहीं से ही मार्केट में इसमें अपसाइड रैली आई थी, तो हमारा मेजर सपोर्ट 51,568 है। ठीक है, उसके बाद में अगर ये सपोर्ट को भी सस्टेन नहीं कर पाता है तो फिर हमें वापस ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं इनिशियल में 51,160। तो अभी यहाँ पर हमें 1,500 से 2,000 पॉइंट की डाउन साइड में हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। अपसाइड की अगर अपन बात करें तो अपसाइड में 800 पॉइंट की रेंज है, और अगर आप स्कार्पिंग करते हो या छोटा मोटा ट्रेड करते हो तो ये लेवल जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसके हिसाब से ट्रेड करना डेफिनेटली आपको फायदा होगा। मैं उसका रीजन इसलिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपने पुट साइड ट्रेड किया, आपके 1 मिनट के चार्ट में आपको हो सकता है आपका स्टॉप लॉस जा रहा हो, पर वहीं आपको 5 मिनट के चार्ट में बता रहा हूँ कि अभी आपका स्टॉप लॉस और नीचे है, वहाँ पर आप सेट कीजिए। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना ताकि आपको एक अच्छा प्रॉफिट आप कमा सको। ठीक है, अभी आप सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में कुछ ऐसा ही हो रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये सपोर्ट इसने दिया है 80,500 का, 80,500 सिस्टम नहीं कर पाता है तो फिर आपको डाउन साइड में ये लेवल देखने को मिलेगी, वो मिलेगी 79,598, तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का भी फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये इसको भी सस्टेन नहीं करता है तो फिर हमें 78,908 का देखने को मिलेगा। 15 मिनट का चार्ट है, तो 15 मिनट के चार्ट में अगर मैं यहाँ पर सस्टेन नहीं करता तो पहले आप टारगेट जाना 80,150 का, मतलब 400 पॉइंट का, फिर वहां से फॉल आएगा तो फिर हमारा 79,600। कल अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेन करता है तो फर्स्ट टारगेट हमें देखने को मिलेगा ये वाला 80,892, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से 400 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट हमें सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है, और सेकंड टारगेट 81,586 का रहेगा। बाकी मैं लाइव रहूंगा, आप लाइव आइए, जरूर मैं आपको बाकी चीजें वहां पर देखेंगे। मिड कैप की बात करते हैं, क्योंकि आज मिड कैप में सबसे ज्यादा मूवमेंट हुआ है दोस्तों। निफ्टी में शुक्रवार दिन जो फॉल आया था ऑलमोस्ट उस फॉल को उसने कवर कर लिया, उसने सपोर्ट लिया मिड कैप निफ्टी ने 12,180। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, अब आपको बताता हूं कि ऐसा हो क्यों रहा है, कि भाई सारी चीजें गिर रही थी या फिर एक मतलब एक डिलेमा सिचुएशन में हमारा बाकी मार्केट पर मिड कैप निफ्टी बढ़ रहा है। इसका एक और सिंगल रीजन है दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर्स वो ये सोच रहे हैं कि बजट आएगा, मान लीजिए IFFC या RBI जो भी शेयर उनके फेवरेट है, बजट आएगा वो रॉकेट हो जाएंगे शेयर, और यही कारण है कि हमारा मार्केट जितना करेक्शन होना चाहिए, जितना रिक्वायर्ड करेक्शन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर हमारे FIC भी ज्यादा कभी कभी बाई कर रहे हैं, या उनको अगर वो बेच के भी निकल जाते हैं तब भी इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो किसी दिन अगर हेवी सेलिंग आएगी तभी जाके हमारे रिटेल इन्वेस्टर ट्रेप होंगे तो फिर घबराहट में निकलेंगे, उसके बाद में मार्केट में बहुत बड़ा फॉल हमें देखने को मिलेगा। तो ये हम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो अब क्या होता ना, कल बजट आया नहीं है, बजट से पहले आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि यार IFFC तो रॉकेट हो जाएगा,
IRFC तो रॉकेट हो जाए, कोई दूसरा गवर्नमेंट शेयर बिल्कुल मतलब मस्त आपको रिटर्न देगा, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हर बार अगर आपको ऐसा लगता है अगर ऐसा ही होगा तो फिर मार्केट में ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, वो भी तो पैसा कमाने के लिए बैठे ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कोशिश होइए। पैसा अगर आपका 5-10% 20% निकल गया तो वेट करिए, वॉच करिए और फिर एंट्री लीजिए, वरना आप इतना बुरा फंसोगे ना कि हो सकता है कोविड जैसा हाल आपके हो जाए। थोड़ा कोशिश रहने की ज़रूरत है, स्टॉक मार्केट में हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा एक बड़ा पैसा हो देगा, ठीक है। तो ये रहा मिड कैप निफ्टी की अगर अपन बात करें तो मिड कैप निफ्टी में ये सपोर्ट लिया इसने 12,400 का, अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो वापस हमारा टारगेट जो रहेगा ये वाला रहेगा दोस्तों 12,500 और सेकंड टारगेट हमारा 12,603। डाउन साइड में वापस हमारा टारगेट एक बड़ा फॉलो में देखने को मिलेगा, अगर इसको मैं मेजर करूँ तो 400 से लेकर 186 मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का फॉलो हमें सीधा देखने को मिलेगा। जो मैं लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ दोस्तों इसको मार्क कर लेना, ये सही मोमेंट कल होने वाला आप लिख लगे, ठीक है। अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं करता है तो फिर हमारा जो मिड कैप निफ्टी, क्योंकि आप देख रहे हो कि कंटिन्यूसली इसी रेंज में था, तो फिर हमें ये वाला टारगेट भी देखने को मिल सकता है, वो टारगेट है 12,000 का, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ठीक है। तो ये था आज ओवरऑल एनालिसिस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो लंबा है दोस्तों पर वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी है, मैं चाहता तो 3 मिनट में इसको खत्म कर सकता हूँ, बट मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप वीडियो बना रहे हो, कुछ चीज़ें को दे रहे हो, इतने मेहनत करो तो कम से कम जो नॉलेजेबल चीज़ें हैं वो दो, ताकि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जो रिटेलर ट्रेडर्स हैं, उनमें कुछ नॉलेज आए, वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। तो इसी के साथ अपन वीडियो क्लोज करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।